अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन क्राफ्ट। चीज़ें देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज क्या बन रहा है। जी, हम बना रहे हैं बर्गर, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, एक ट्विस्ट के साथ। वो क्या ट्विस्ट है? इसमें पिज़्ज़ा का टच भी आएगा, यानी मैं आपको आज पिज़्ज़ा बर्गर बनाना सिखा रही हूँ, और वो भी ओवन के बग़ैर। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। वही चीज़ें जिनके साथ हम घर में आम बर्गर बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ एक दो चीज़ें और ऐड करके आप बहुत डिलीशियस पिज़्ज़ा बर्गर बना सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। इसके लिए चीज़ें मुझे चाहिए, ये मैंने बंस ले लिए थे। होममेड बन बनाने का भी मैं आपको तरीका इंशाल्लाह बहुत जल्दी सिखाऊंगी। चिकन पैटीज़ में यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जिंगर पैटीज़ के साथ इसे बनाना चाहते हैं तो इसका वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको जिंगर स्ट्रिप्स के लिए सिखाया था। अगर वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी जिंगर स्ट्रिप्स वाली, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। सॉस के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट, हाफ कप मेयोनीज़ मैंने ले लिया था, चीज़ मैंने लिया है 1 कप, और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने टमाटो और ऑनियन, इन्हें जो है फाइन चॉप कर लिया है। अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली और एक्स्ट्रा टॉपिंग लाइक करती है, जैसे कि मशरूम्स, ऑलिव्स, आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। इस तरह रिंग्स में जो है, ये मैंने प्याज काट लिए थे, ये बर्गर स्टफिंग के लिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें, और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, मेरा पैन गरम हो गया था, इस पर मैंने इन्हें इस तरह से सेक लिए। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं सेकना, और ये टॉप वाला जो बन है इसको सेकना है, जो नीचे वाला बन है ये वाला, इसको हमने सेक नहीं लगवाना। ये पतीला मैं अपना गरम होने के लिए रखने लगी हूँ। इसमें ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बाउल है, इसको मैंने उल्टा करके रख दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैं प्री हीट करूँगी, तब तक हम अपने बर्गर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। जी, हम सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये हाफ कप मेयोनीज़ लिया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। इसमें 1 स्पून मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। बर्गर का असल मज़ा जो है वो मस्टर्ड पेस्ट के साथ ही आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम लोग जी, अब हम बर्गर अपने रेडी करते हैं। ये टॉप बन जिसको सेका था वो वाला लेंगे, इसके ऊपर मैं अपनी ये मस्टर्ड सॉस लगा लूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से कर लेना। अब इसके ऊपर अनियन रिंग्स रख लेते हैं। अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं वो भी आपकी चॉइस है। पैटी, थोड़ी सी सॉस पैटी के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। आप इसमें चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसमें पिज़्ज़ा चीज़ भी आप डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम ये बॉटम वाला लेंगे पीस, इस तरह से इसको रखेंगे ऊपर उल्टा। अब इसके ऊपर ये सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। जितनी चीज़ डालेंगे उतना इसका जायका अच्छा आएगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ लाइक नहीं करते तो आपकी चॉइस है, आप ना डालें, कम डाल लें, कि मैं तो थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ जी। अब इसके ऊपर हम अपनी ये स्टफिंग डाल देंगे, सॉरी, अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हमने रेडी की थी। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं,
इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना। इस तरह से अब एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। जी ये अब हमारा बर्गर बेक होने के लिए रेडी है। इसी तरह से बाकी सारे मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, और जब ये बेक होगा तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसको जो है अब मैं पतीले में रख देती हूँ बेक करने के लिए, जिसे मैं पहले से प्री हीट कर चुकी हूँ। ये देखिए ये मैंने पतीले में रख दिए हैं। इसे 5 से 10 मिनट के लिए, या जब तक हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक हमने इसे बेक करना है। ये देखें कितना प्यारा है इसका टेक्सचर आ रहा है और चीज़ मेल्ट हो रही है। अभी थोड़ी सी देर है इसको, 3 से 4 मिनट और लगेंगे, तब तक मैं इसको मज़ीद बेक करती हूँ। अच्छा आज की टिप मैं आपको दे दूँ कि जब भी आप पिज़्ज़ा या चीज़ वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा आपने बेक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बेक करने से चीज़ का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आपने बर्गर जो हैं उनको अपनी डिश में रखना है तो डिश को पहले अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सॉरी ये मैं बताना पहले भूल गई थी, अगेन ऑयल से डिश को ग्रीस करके फिर अपने बर्गर उसके अंदर रखें, देन बेक करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं साथ साथ टिप्स थोड़ी थोड़ी शेयर करती रहती हूँ जो कि आपकी बेकिंग और कुकिंग में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ये देखें जी ये पिज़्ज़ा बर्गर रेडी है। इसके ऊपर थोड़ी सी ओरिगेनो डाल दूँगी। अगर आपको ओरिगेनो का टेस्ट लाइक नहीं करते आप ओरिगेनो को, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर में शौक से खाया जाता है तो मैं इसको डाल रही हूँ। इसे आप पिज़्ज़ा या बर्गर जो है इसको बेक करने से पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। तो कितनी प्यारी चीज़ इसकी मेल्ट हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है अभी, ये देखिए जी ये पिज़्ज़ा बर्गर तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको अपने घर में अपने बच्चों के साथ बनाएं, इंजॉय करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।